कर मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले आप सबको मैं फ्रेंडशिप डे यानी मैत्री दिन की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आई विश ऑल माय व्यूअर्स अ वेरी हैप्पी फ्रेंडशिप डे। मेरा आज का वीडियो जो है वो है एक DIY। तो आगे जाने से पहले मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन दबाए मेरे लेटेस्ट अपडेट्स और आने वाले वीडियोस को देखने के लिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो जो है DIY। ठीक है, तो ये DIY है। ये एक शोपीस की तरह बनाया है मैंने, घर पे बनाया है लॉकडाउन के समय में, कम सामग्री के साथ और दिखने में भी बेहतरीन है। तो ये एक शोपीस जैसा है और इसको बनाने के लिए आपको चाहिए कार्ड पेपर। पीले कलर का इस्तेमाल किया है, आप कौन से भी रंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 कार्ड पेपर लगेंगे जो समान हिस्से के होने चाहिए, मतलब एक पार्ट 3 सेंटीमीटर का है तो तीनों 3 सेंटीमीटर के होने चाहिए। और ये जो इस्तेमाल किया है ये ऑरेंज मार्बल पेपर इस्तेमाल किया है मैंने, यहाँ पे पिंक मार्बल गुलाबी रंग का मार्बल पेपर इस्तेमाल किया है और यहाँ पे नीले रंग का मार्बल पेपर का इस्तेमाल किया है ये DIY बनाने के लिए। तो ये DIY बनाने के लिए आपको ये जो मार्बल पेपर है उसके कली के आकार में या पंखुड़ियों के आकार में आपको उसको मार्बल पेपर को रखकर काटना होगा। 20-25 मार्बल पेपर लेकर एक कली का आकार बनाए, 20-25 बार उसको फोल्ड करके या फोल्ड करके उसको काट दें। ठीक है, तो इसी तरह तीनों मार्बल पेपर को पंखुड़ियों के आकार में, यह एक ऐसा पंखुड़ी है उसका 25 मार्बल पेपर को ऐसे फोल्ड करके इसको 25-30 पंखुड़ियाँ बनाए और फैब्रिक ग्लू या गम की मदद से इस कार्ड पेपर को उसको चिपका दें। कमल के आकार जैसा बनता है, खिलता हुआ कमल, उस आकार में उसको चिपका दें। और ये रंगोली की और उसके ऊपर फिर बिंदी लगाई दी है मैंने। आप अलग अलग हिस्से सजा सकते हैं, आईने, शीशा या बिंदी या जो भी आपके पास थर्माकोल या कोई भी चीज़ है डेकोरेटिव, इससे आप इसको सजा सकते हो तो उसका इस्तेमाल आप इसमें कर सकते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत बनता है, दिवाली के वक्त रंगोली के जैसा भी दिखता है। अगर आप ये बाहर रख दे दरवाजे पे तो ये रंगोली की तरह बन जाएगा। और यहाँ पे आप इस पर दिए रख सकते हैं या वैक्स कैंडल भी दिवाली में रख सकते हैं। तो ये बहुत ही आकर्षक लगता है अगर इसके ऊपर आप वैक्स कैंडल रखे तो या दिए रखे तो। तो दिवाली में ज़्यादातर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, त्योहारों में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, गणपति में, नवरात्रि में भी आप इसको शोपीस की तरह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। तो घर पे ट्राई करना ना भूले, ज़रूर घर पे ट्राई करें और कैसे हुआ ये मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। आपको अच्छा लगा या नहीं, कैसे आया मेरा वीडियो, आपको घर पे बनाते आया या कोई दिक्कत आई तो मुझे कमेंट करके भेज देना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोज में ऐसे ही दिलचस्प टॉपिक्स या विषयों पर DIY को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।